नया फोल्डर बना के ना एक बिल्कुल नए सिरे से आपको मैं करके देगा, बल्कि डेस्कटॉप पे नहीं। प्रोजेक्ट शुरू करने का तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप गिटहब में एक एम्प्टी रिपोजिटरी बनाए, राइट, तो उससे करते हैं। ठीक है, github.com पे गया और मैंने कहा कि यार कहाँ चले जाओ आप। अच्छा, यहाँ से प्लस है ना छोटा सा, यहाँ से भी मैं न्यू रिपोजिटरी बना सकता हूँ, एक ही बात है वो दो। तो मैंने न्यू रिपोजिटरी का बटन दबा दिया। ठीक है, मैं अपनी प्रोफाइल में जाके भी न्यू कर सकता हूँ ग्रीन वाला, और वहाँ से भी कर सकता हूँ। अच्छा, इस रिपोजिटरी का मैं नाम क्या रख देता हूँ? मैं कह देता हूँ कि हेलो वर्ल्ड एक्सप्रेस सर्वर। सही है, मुश्किल तो नहीं है अभी तक, आसान है। अच्छा, हेलो वर्ल्ड, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ क्या कि भाई दिस कोड इज अ डेमो फॉर अ क्लास। ठीक है, डेमो फॉर अ क्लास, ताकि कोई भी कल को ये रिपोजिटरी देखे उसको पता चले कि ये डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे बनाया गया था इस रिपोजिटरी को, क्योंकि डिलीट तो मैं करूँगा नहीं, पड़ी रहेगी वहीं पे ये। अच्छा, ये मेरे पास एक एम्प्टी रिपोजिटरी बन के तैयार हो के आ गई। अच्छा, इसका मैंने ये लिंक कर लिया कॉपी यहाँ से। ठीक है, ये छोटा सा बटन है, इसको दबाऊंगा तो लिंक कॉपी हो जाता है, या आप ऐसे सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, एक ही बात है। अच्छा, अब मैं कहाँ पे आ जाता हूँ भला? अब मैं आ जाता हूँ मेरे डेस्कटॉप पे। ये मैं कहाँ कहाँ पे आ गया? डेस्कटॉप पे। ठीक है, पहचान किया या डेस्कटॉप लिखा हुआ आएगा आपके पास? ठीक है। अच्छा, एक बात मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाइयों, पावर शेल में ना कुछ कमांड्स में परमिशन का इशू आ जाता है, एक्सेस का इशू आ जाता है। तो अगर पावर शेल पे आपके पास एरर आ रहा है ना, तो उसको आप किस पे चलाएंगे? या तो CMD करके चलाएं। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि सर ये एरर आ रहा है, तो वो एक्चुअली पावर शेल का एरर होता है। समटाइम इंस्टॉलेशन में वो आपको अलाउ नहीं करता, और ख़ास तौर पे यहाँ के PC में, यहाँ के PC में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, तो इस वजह से पावर शेल आपको ना बहुत चीज़ें करने नहीं देता। तो आप वो CMD से करें। अच्छा, वो या तो गिट बैश ओपन कर लें। जब गिट इंस्टॉल होता है ना, उसके साथ गिट बैश इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी फोल्डर में जाके आप राइट क्लिक करते हैं तो लिखा हुआ आता है कि ओपन गिट बैश है, राइट, तो वो आप ओपन कर लें, वो सबसे बेस्ट है, उसमें ये वाले एरर नहीं आते। और वो उसका लुक एंड फील भी ना थोड़ी लिनक्स के जैसी है, तो आपको थोड़ा थोड़ा लिनक्स से भी आप फेमिलियर होंगे, क्योंकि क्लाउड के एनवायरनमेंट में सब जगह लिनक्स होता है, तो लिनक्स से आप जान नहीं छुड़ा सकते फिलहाल, अगले शायद 10-15 साल तक। अब अगले 10-15 सालों में कुछ इनोवेशन हो जाए, कोई दूसरी वो बात अलग है, लेकिन अगले 10-15 सालों तक लिनक्स कहीं नहीं जा रहा, तो वो आपको फेमिलियर थोड़ा बहुत करा देगा। टर्मिनल का ना स्टाइल उसका लिनक्स वाला है। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, गिट क्लोन, और वो URL मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये एम्प्टी रिपोजिटरी मेरे पास क्लोन होके आ गई। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं, बन गई होगी रिपोजिटरी, ये बन के आ गई, इसको मैंने साइड पे कर दिया ये। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या करना है, CD करके मैं इसके अंदर चला जाऊँगा। ठीक है, दो तीन कैरेक्टर लिखूंगा और टैब दबा दूंगा, ऑटो कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये मैंने क्या किया, फोल्डर का पहला दो तीन वर्ड लिखे और टैब दबाया, तो आप सब लोगों ने भी पूरा पूरा नाम हाथ से लिखूंगा फिर तो हो गया मेरा काम। अच्छा, इससे बेनिफिट ये होता है कि आपको पता भी चल जाता है कि सेम फोल्डर में आप हैं या नहीं। ठीक है, अगर आप कुछ किसी और फोल्डर में ही खड़े हुए, आप CD करके जाने की कोई वो जाएगा ही नहीं, तो ये टैब दबाने से ना, अगर वो टैब काम नहीं कर रहा, मतलब आप किसी और फोल्डर में, तो आप फिर चेक करें। अच्छा, तो ये हो गया, अब इस फोल्डर के अंदर मैं आ चुका हूँ। अब क्या करना है, मैंने कोड स्पेस डॉट ये लिखकर इस फोल्डर को VS कोड में मैंने ओपन कर लेना है। ठीक हो गया, ये मैंने ओपन कर लिया VS कोड में। अब जब वंस ये VS कोड में ओपन हो गया, तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्रेस का हेलो वर्ल्ड सर्वर वही वाला बनाना है जो मैंने लास्ट बनाया था। अच्छा, कैसे था, सबसे पहला काम क्या किया था मैंने, नॉट जेएस की जब ऐप बनाते हैं हम, तो सबसे पहला काम उसमें हम क्या करते हैं, npm init, हम कहते हैं कि नॉट जेएस का एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाओ, तो ये मैंने npm init लिखा और एंटर किया। ये मुझसे कुछ सवाल पूछेगा, मैं एंटर एंटर प्रेस कर रहा हूँ, मैं उसका जवाब नहीं देना चाह रहा अभी उन सवाल का। ठीक है, जो डिफॉल्ट आंसर्स थे उसी पर मैंने ओके कर दिया। ये करने के साथ साथ मेरे पास एक पैकेज डॉट जेसन के नाम की एक फाइल बनी हुई आ गई। ठीक है, पैकेज डॉट जेसन के नाम की एक फाइल बनी हुई आ गई। ठीक है, अभी हम इस फाइल को डिटेल में देखेंगे बाद में कि क्या चीज़ क्या है, अभी हम हेलो वर्ल्ड बना रहे हैं, अभी हम इतनी डिटेल में इसको नहीं देखेंगे। ये तैयार हो गया, अब उसके बाद मैंने क्या करना है, एक मैंने सर्वर डॉट MJS या कोई भी फाइल का नाम हो सकता है, मैं सर्वर लिख रहा हूँ, आप कुछ और लिख दें। ठीक है, सर्वर डॉट MJS या ऐप डॉट MJS भी बना सकते हैं। अच्छा, मैंने MJS क्यों लिखा है, ये बिल्कुल नई वाली जावा स्क्रिप्ट है, पहले लिखते थे सिर्फ JS, दैट वॉज कॉल्ड कॉमन JS। ठीक है, अभी ये नया वाला बिल्कुल जो जावा स्क्रिप्ट है जो नॉट JS पर रन होती है, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूल JS। ठीक है, तो ये मॉड्यूल JS के लिए हमने MJS लिखा है।
तो कोई कंफ्यूज ना हो कि सर मैंने फला जगह वीडियो देखी थी वो तो JS लिख रहे थे, IMGS क्यों लिख रहे हैं। तो इसमें नया वाला सिंटैक्स लिखना होगा आपको, ES6 चलेगी इसके अंदर, ES5 का बहुत सारा कोड इसमें नहीं चलेगा, आपको ES6 में ही लिखना होगा, जैसे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह ES6 के तरीके से होगा इसमें। अच्छा, अब ये मैंने फाइल बना ली, अब इस फाइल में सबसे पहले मुझे लिखना किस में, मैंने एक्सप्रेस का सर्वर लिखना है। एक्सप्रेस इज अ फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी सर्वर लिखने के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये काम क्या मैं एक्सप्रेस की लाइब्रेरी के बगैर कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, लेकिन एक्सप्रेस की लाइब्रेरी हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा काम शॉर्ट हो, आसान हो, जल्दी हो। और एक्सप्रेस हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्रेस के जैसे बहुत सारे फ्रेमवर्क मार्केट में मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन हम एक्सप्रेस क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक्सप्रेस इज़ द मोस्ट पॉपुलर वन। जो मर्न स्टैक है, MERN मर्न स्टैक, उसमें एक्सप्रेस का सर्वर होता है। तो कहीं ना कहीं आप ये वाला कोर्स, वैसे तो वेब का नहीं है कोर्स, ये चैटबॉट का कोर्स है, लेकिन इसमें ये वो वाला पार्ट आप सीख जाएंगे, एक्सप्रेस वाला पार्ट, जो कि मर्न स्टैक सबसे पॉपुलर स्टैक है इस वक्त वेब डेवलपमेंट का, तो उसमें यही इस्तेमाल होता है, ये सबसे पॉपुलर है इसमें। अच्छा, और REST API में डील करता है, इसमें REST APIs बनती है, तो बड़े फास्ट होते हैं ये सर्वर। Node.js के ऊपर सबसे फेमस फ्रेमवर्क एक्सप्रेस है इस वक्त। अच्छा, तो हमने ये डिसाइड कर लिया, ये समझ लिया कि क्यों कर रहे हैं, इसको इंस्टॉल करना है। कैसे करूँगा मैं, अब मैं जाऊँगा एक्सप्रेस की वेबसाइट पर, express.js या express.js लिख देता हूँ, एंटर। ये मैं आ गया इसकी वेबसाइट पे, ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड में पहले इसने क्या बताया कि ऐसे करोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं आके ये कमांड लिख देता हूँ, जैसे ही मैं इंस्टॉलेशन करूँगा, यहाँ पे नॉट मॉड्यूल्स के नाम का एक फोल्डर बना हुआ आ गया, ठीक है, नॉट मॉड्यूल्स के नाम का एक फोल्डर बना हुआ आ गया। प्लेन HTML CSS में अगर मुझे लाइब्रेरी लगानी होती है, मैं CDN लगाता हूँ या वो फाइल डाउनलोड करके स्टोर करता हूँ। इसमें हम ऐसे करके इंस्टॉल करते हैं और नॉट मॉड्यूल के अंदर वो सब कुछ जाके स्टोर हुआ जो भी हम इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, ये हो गया जी, अब उसके बाद इंस्टॉल तो हो गया, अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसी डॉक्यूमेंट में वापस आता हूँ, नेक्स्ट का बटन दबाता हूँ, ये हेलो वर्ल्ड का कोड आ गया। मैंने ये हेलो वर्ल्ड का कोड एज इट इज़ कॉपी कर लिया, कॉपी करके मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा, यहाँ पे मुझे एक लाइन ना एरर देगी, वो है सबसे पहली लाइन, ये वाली, ठीक है। ये कह रहा है कि यार रिक्वायर जो है ना, ये पुराना सिंटेक्स है, ये इस नए वाली फाइल में काम नहीं करेगा। तो जैसे ही यहाँ पे मैं हाथ रखूँगा ना, तो यहाँ पे क्विक फिक्स एक लिखा हुआ आ रहा है, क्विक फिक्स दबाऊँगा, कन्वर्ट टू ES मॉड्यूल, तो ये इसने चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब हम जितनी भी लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे, हम इसको ES6 मॉड्यूल के तौर, हालांकि लाइब्रेरी अभी तक अपडेट नहीं की उन्होंने, उनके डॉक्यूमेंट्स में पुराना कोड लिखा हुआ, लेकिन हम नया वाला करेंगे, क्योंकि अभी तो ये स्टैंडर्ड ES5 ही चल रहा है, अभी तक कॉमन JS ही स्टैंडर्ड है सर्वर में, अभी ये नया वाला अभी तक स्टैंडर्ड में शामिल नहीं हुआ है, यानी ज़्यादातर लोग वो पुराने वाले में लिख रहे हैं कोड। लेकिन हम क्योंकि उस हिसाब से सीख रहे हैं, हमने आज से 6 महीने बाद या साल बाद मार्केट में ये काम करना है ना, ज़ाहिर है अभी आप ये कोर्स कम्प्लीट होते होते आपको लगेंगे 2-4 महीने या 5 महीने जो भी, उसके बाद फिर आप कोर्स के दौरान ही एक पॉइंट आएगा दरमियान में, मैं आपसे कहूँगा यार इंटरव्यूज़ देना शुरू कर दो, तो 2-3 महीने आपको लगेंगे जॉब पकड़ने में, फिर आप जूनियर पोस्ट पे जाएंगे, फिर वो छोटे छोटे टास्क होंगे, तो प्रॉपर जब आप काम करना शुरू करेंगे सर्वर वगैरह पे, तो वो आज से शायद 6-8 महीने बाद का टाइम होगा। तो ये उस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि आज से 6-8 महीने बाद यही चल रहा होगा, वो पुराने वाले वो लोग भूल चुके होंगे जब तक। अच्छा, तो ये हमने चला के देख लिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब इसको हमने रन करना है। रन करने के लिए हम ये देख चुके थे कि Node.js की जो फाइल रन होती है वो कैसे रन होती है। Node.js की जो फाइल है हमारी, उसको रन करने के लिए मुझे क्या लिखना होता है, टर्मिनल पे जाके Node स्पेस और फाइल का नाम, जो कि server.mjs मेरी फाइल का नाम है, एंटर किया, मेरी फाइल रन हो जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ गया कि भाई एग्जाम्पल ऐप लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000, इसका मतलब है मेरी फाइल रन हो चुकी है, चल चुकी है। लेकिन दो बातें हैं यहाँ पर, नंबर एक, इस फाइल को रन करने के लिए मेरे पास Node.js मेरे सिस्टम में इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं इंस्टॉल है पहले से, तो आप क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, Node.js लिख के एंटर करेंगे, और ये आप LTS वर्जन इसका इंस्टॉल कर लेंगे अपने पास, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद सम टाइम आपको कंप्यूटर रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, सम टाइम नहीं पड़ती, सम टाइम रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो एक बार रीस्टार्ट एहतियातन कर लीजिएगा, ताकि वो अच्छी तरह सब चीज़ें सेट हो जाए, खासतौर पर विंडोज़ में आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है। अच्छा, तो ये इंस्टॉल करना है आपको, नंबर एक बात। अदरवाइज़ ये Node स्पेस जब फाइल का नाम लिखेंगे ना, वो एरर दे देगा, कह यार Node मुझे पता ही नहीं चल रहा कि है क्या, कह रहे Node मुझे नहीं पता, लिखा आएगा Node इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, इस तरह का कोई एरर आता है तो इसका मतलब है Node इंस्टॉल नहीं है, तो आप इंस्टॉल करेंगे। तो नंबर एक बात ये हो गई। नंबर दो बात, ये तो तरीका है Node.js में फाइल को रन करने का, लेकिन इसका एक बेहतर तरीका भी है, वो क्या है, वो ये है कि मैं इसको npm start से रन करूँ, npm start,
क्योंकि अभी तो सिर्फ एक सिंपल कमांड है ना, ये जब बाद में अभी आगे चलेंगे तो ये सर्वर को रन करने की कमांड थोड़ी लंबी होती है, सर्वर को रन करने की कमांड आमतौर पर थोड़ी लंबी होती है, तो बार बार लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इसमें स्टैंडर्ड ये है कि npm start से मैं इसको रन करूँ, लेकिन अभी मैं npm start जब लिखता हूँ तो ये कहता है कि भाई npm start क्या है, इसकी स्क्रिप्ट तो लिखी नहीं आपने। तो मैं package.json में जाऊँगा और यहाँ पर जाके ये टेस्ट जो लिखा हुआ है ना स्क्रिप्ट, इसके नीचे मैं लिखूँगा स्टार्ट की स्क्रिप्ट और यहीं पर वो बात लिख दूंगा नॉड स्पेस सर्वर डॉट mjs, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो भी लंबी चौड़ी जितनी भी कमांड होगी ना वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और मैंने फिर टर्मिनल पे क्या लिखना है, जस्ट मैंने लिखना है npm start, तो ये सर्वर मेरा रन हो जाएगा, ठीक हो गया, ये सर्वर मेरा रन हो गया। अच्छा, अब आप में से जितने भी लोग बैठे हुए मेरी आईपी जो है इस वक्त उस पर आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ये चलेगी, लास्ट क्लास में हमने करके देख लिया था कि ये जो मेरी आईपी स्क्रीन पे लिखी हुई आ रही है इस पर आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट वो आ जाएगी और आपको वो रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इस मैसेज को चेंज कर देता हूँ और हम कहते हैं भाई रिस्पॉन्स फ्रॉम सर इंजमाम कंप्यूटर, ठीक है, ये मैंने एक बात लिख दी यहाँ पे और मैंने कहा रिक्वेस्ट डॉट आई पी। रिक्वेस्ट डॉट आई पी का मतलब है कि जहाँ से रिक्वेस्ट आई है उसकी आई पी को भी मैं प्रिंट करवा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो अब आप सब लोग ज़रा मुझे इस मेरे आई पी एड्रेस पर ज़रा रिक्वेस्ट भेजें सब लोग। मेरी आई पी एड्रेस है 172.16.16.21.247 कॉलन 3000। हाँ भाई चलो रेडी रेडी स्टडी गो। हाँ भाई चलो भेजो सर रिक्वेस्ट। नहीं आ रही अभी, यहाँ प्रिंट क्यों नहीं हुआ? अच्छा वो सिर्फ सॉरी कॉन्सोल डॉट लॉग तो मैंने लगाया नहीं, कहाँ से प्रिंट होगा? सही है, तो जो चीज़ मैं रिस्पांस में भेज रहा हूँ वही चीज़ मैं यहाँ पे प्रिंट भी करवा देता हूँ। तो ये रिक्वेस्ट है तुम लोगों की अब आना शुरू हो गई है, ठीक है। ये वो सारे कंप्यूटर हैं जो तुम लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हो। अच्छा अब जल्दी से इसको क्लाउड पे भी डिप्लॉय अगर कर लिया जाए तो क्या ही बात है। ये वैसे तो तुम लोगों को समझ आ गया ना कि ये मेरा कंप्यूटर है, इस पे तुम लोग रिक्वेस्ट भेजते हो रिस्पांस मिलता है। अब मैं यही ऐप उठा के कहाँ भेजने लगा हूँ, एक क्लाउड पे भेजने लगा हूँ, उसका बेनिफिट क्या होगा? ये तो लैपटॉप मेरा बंद हो जाएगा ना। और दूसरा मसला ये भी, लास्ट टाइम देखा था कि इस नेटवर्क पे जो लोग मौजूद हैं वही मुझे हिट कर सकते हैं इस पर रिक्वेस्ट, बाकी इस नेटवर्क से बाहर के लोग मुझे कंप्यूटर पर रिक्वेस्ट नहीं एड कर सकते, क्योंकि वो कंज्यूमर लेवल का इंटरनेट है जो हम यूज़ कर रहे हैं और उन्होंने ये ब्लॉक किया हुआ होता है जानबूझ के, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से, कि मतलब आपको पता ही नहीं है बिला वजह कोई आपके पे रिक्वेस्ट भेज रहा है, कोई आपसे डेटा ही ब्रीच ना कर रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कंज्यूमर लेवल के इंटरनेट पर ये बंद होता है कि कोई भी पूरी दुनिया में कहीं भी बैठ के आपको रिक्वेस्ट मारे, ठीक है। अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है स्टिल, क्योंकि ये इसी तरह तो हैकिंग होती है, इसी तरह तो लोगों के कंप्यूटर से डेटा चोरी होता है, तो ये स्टिल पॉसिबल है, लेकिन नॉर्मली ये बंद होता है। अच्छा तो उसको बाईपास करने के लिए जो लोग होते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के, उनको पता होता है ये बाईपास कैसे होता है। वेल तो हम वो वाला नहीं कर रहे, हम जो कॉमन तरीका है ना राइज हम वो कर रहे हैं, हम हैकिंग करने नहीं बैठे यहाँ, ठीक है। हम प्रॉपर जो डेवलपमेंट होती है जिस तरह सर्वर रन किया, तो हमने अब क्या करना है, इस पूरी ऐप को उठा के क्लाउड पे भेज देना, ताकि वहाँ पे क्लाउड पे वो 24/7 एक तो चलता रहे वो, और दूसरा ये वो जब क्लाउड का प्रोवाइडर है ना वो मुझे एक URL दे देगा, वो मुझे क्या दे देगा, एक URL, और उस URL पे फिर रिक्वेस्ट भेजेंगे ना आप, तो आपको 24/7 जब भी भेजेंगे रिस्पांस मिलेगा। जैसे कि हमारी एक वेबसाइट होती थी उसको उठा के हम भेज देते थे GitHub पेजेस पे या Netlify पे या किसी भी सर्च पे, ठीक है। इसी तरह अब ये सर्वर भी हमारा क्लाउड पे जाएगा, फिर अल्टीमेटली हम दोनों को मिला देंगे एक ही, तो वो हम बाद में करेंगे। अच्छा इसको सर्वर पे भेजने के लिए मैं फिलहाल ये रोक देता हूँ, ताकि आप लोगों की डिस्ट्रैक्शन है ना वो वापस यहाँ तवज्जो आए। अच्छा इसको मुझे सर्वर पे भेजने के लिए ना एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, वो काम क्या करना पड़ेगा कि मेरे कंप्यूटर में जो ये चल रहा है ना इस वक्त, ये चल रहा है पोर्ट नंबर 3000 पर। पोर्ट क्या होता है,
जैसे एक शहर होता है उसमें दाखिल होने के जितने रास्ते होते हैं उसको पोर्ट कहते हैं, जैसे सी पोर्ट होता है, एयरपोर्ट होता है, दाखिली और खारजी रास्ते जो होते हैं, तो इस कंप्यूटर के अंदर जितने एंटर होने के और बाहर निकलने के जो रास्ते हैं ना उसको पोर्ट्स कहते हैं। पोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं, पोर्ट्स का नाम जानते हैं आप? यूएसबी पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट हैं, और कौन कौन सी पोर्ट्स होती हैं? एचडीएमआई पोर्ट, भाई डिस्प्ले उसमें से डिस्प्ले का डेटा अंदर बाहर होता है ना वहीं से, कि भाई मैं उसमें लगाऊंगा मॉनिटर तो मेरे कंप्यूटर से डिस्प्ले निकल के मॉनिटर तक पहुंचता है, तो इस वजह से उसको पोर्ट कहते हैं, एचडीएमआई पोर्ट। ठीक है, यूएसबी पोर्ट, ठीक है, माइक वाले पोर्ट को 35mm पोर्ट कहते हैं शायद उसको, ऑडियो जैक बोलते हैं वैसे, है वो भी पोर्ट बाई द वे, लेकिन उसको ऑडियो जैक कहते हैं। तो ये जितने भी इनपुट आउटपुट के रास्ते हैं ना इस कंप्यूटर के अंदर वो सारे पोर्ट्स कहलाते हैं। अच्छा, ये है वर्चुअल पोर्ट्स, ये आपको नज़र नहीं आते, ठीक है, ये नज़र नहीं आते, ये इंटरनेट की कम्युनिकेशन के लिए पोर्ट के ना नंबर होते हैं, ये कुछ 1111 से लेके और पता नहीं 995 डिजिट तक होता है, इस तरह कुछ इसकी रेंज है। कुछ इसमें से रिजर्व होते हैं, जैसे मैक के ऊपर 5000 जो रिजर्व है, 5000 वो इनका एयर प्ले करके एक होता है उसके लिए रिजर्व है, तो 5000 पे जो रिजर्व है उस पे आप चला नहीं सकते। अच्छा, तो मेरे कंप्यूटर में सिर्फ एक ऐप चल रही है इस वक्त, मुझे पता है कि 3000 अवेलेबल है, मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि 5000 अवेलेबल नहीं है क्योंकि एयर प्ले के लिए वो यूज़ होता है इनका। ठीक है, विंडोज़ पे 5000 अवेलेबल होता है, उसमें एयर प्ले नहीं है। अच्छा, जिस क्लाउड के कंप्यूटर में मैं भेज रहा हूँ अपनी ऐप को, वहाँ मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी पोर्ट अवेलेबल है? और वहाँ तो चल भी हज़ारों ऐप रही है ना, यहाँ तो सिर्फ एक है, वहाँ तो आप लोगों ने भी भेजा हुआ है सबने, हज़ारों की तादाद में वहाँ पे ऐप्स चल रही हैं, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे कौन सी पोर्ट अवेलेबल है? तो वो कहते हैं कि हमारे कंप्यूटर में जब आपकी ऐप आएगी ना, तो हमने अपने कंप्यूटर के एनवायरनमेंट वेरिएबल में ये बात लिखी हुई है कि कौन सी पोर्ट अवेलेबल है। तो मैं उसको कैसे सेव करूँगा, कैसे गेट करूँगा? मैं बोलूँगा process.env.port और 3000। ये और का हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा था ना, ये क्या करता है, जो ट्रू होगा ना पहला उसको रिटर्न कर देगा। अगर ये पोर्ट में इसको कुछ मिल गया, मिसाल के तौर पर पोर्ट में इसको मिल गया एक 32515 ये मिल गया, तो वो उठा के वो रख देगा, रिटर्न कर देगा। अगर ये अनडिफाइंड मिला या फॉल्स मिला, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में एनवायरनमेंट वेरिएबल में पोर्ट के नाम से कोई चीज़ मौजूद नहीं है मुझे पता है, ठीक है, तो 3000 कर देगा। तो इससे होगा क्या कि जब मैं अपनी लोकल मशीन में npm स्टार्ट करूंगा तो 3000 पोर्ट पे चलेगा, जब सर्वर पे जाने के बाद वो सर्वर npm स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, वो उस पोर्ट पे चलेगा जो उनके पास अवेलेबल है, और हमें उससे को लेने देने, क्योंकि हमें तो url मिलेगा, सर्वर वाले भी url देंगे वो क्लाउड वाले। अच्छा, तो ये छोटी सी एक चेंजेस करनी थी ये क्लाउड के लिए हमें, अगर ये चेंज मैंने नहीं किया तो क्लाउड पे फेल हो जाएगा, वो चलेगा नहीं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये तमाम का तमाम कोड GitHub में मैंने पुश करना है, लेकिन GitHub में पुश करने से पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं चेंजेस कितनी सारी आ गई हैं, 400 फाइलें चेंज हुई हैं, मैंने तो इतनी फाइल भी नहीं बनाई थी जितनी चेंज हो गई हैं। तो ये इस वजह से हो रही है कि नॉट मॉड्यूल जो है ना वो भी शामिल है जो मेरे कोड में, वो पुश होने मांग रहे हैं। तो मैंने क्या करना है, एक छोटी सी फाइल बनानी है .git ignore, ठीक है, और .git ignore में not_modules का नाम लिख दे रहे हैं। जैसे ही मैंने ये नाम लिखा, आप देखें not module का फोल्डर डिम हो गया थोड़ा कलर में, ग्रे कलर का हो गया। अभी ये not.js का जो, ये not module का जो फोल्डर था, अब वो सर्वर पे, सॉरी GitHub की रिपोजिटरी में पुश नहीं होगा, और मुझे पुश करना भी नहीं है इसको। अब वो क्यों नहीं करना, वो अभी आगे हम कहानी समझेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे कल को मैं ही अपनी ऐप को वापस क्लोन करूंगा तो नॉट मॉड्यूल नहीं होगा, फिर मैं क्या करूंगा? तो मैं ये करूंगा जो जो लाइब्रेरी मैंने इंस्टॉल की मैं दोबारा कर दूंगा, सही है, तो इस तरह से होगा। अच्छा, अब देखो ये टोटल ना 4 फाइल हो गई है यहाँ पे पुश होने वाली, पहले हो रही 400 पता नहीं। अच्छा, तो अब मैं क्या करूंगा, इन तमाम फाइल्स को मैं कहूंगा कि हेलो वर्ल्ड कंप्लीट और एंटर कर दूंगा, और इसको मैं पुश कर दूंगा, सही है। अच्छा, मैं टर्मिनल से भी कर सकता हूँ, गिट एड डॉट और गिट कमिट -m वाला, एक ही बात है, यहाँ से भी करूँ तो एक ही बात है, ठीक है, पुश हो गया ये, ओके हो गया। जाके ज़रा गिटहब की रिपोजिटरी में हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कोड मेरा अच्छी तरह से पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया, ठीक है, ये कोड मेरा यहाँ पहुँच चुका है। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, अपने जो मेरा क्लाउड है, जो भी क्लाउड होगा, अच्छा हमारे पास क्लाउड बहुत सारे हैं जो हरिको की, सॉरी एक्सप्रेस की होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं फ्री में, ठीक है, गूगल क्लाउड भी है लेकिन वो पैसे मांगता है तो हम उसको फिलहाल यूज़ नहीं कर रहे हैं।
अच्छा फ्री में कौन है, हरिको है सबसे पहले नंबर पे, लेकिन हरिको ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो अपना फ्री टियर बंद कर रहे हैं, अब फ्री में नहीं होगा, ठीक है। तो एक दूसरा उनका कॉम्पिटिटर था साइक्लिक, तो उसने फ़ौरन बोला कि भाई हम फ्री दे रहे हैं, आ जाओ हमारे पास, तो हम साइक्लिक पे इसको डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं। अच्छा कैसे करेंगे हम साइक्लिक पे डिप्लॉय, हम सबसे पहले इसकी वेबसाइट पे चले जाते हैं साइक्लिक की। अच्छा ये मेरे पास सारा का सारा कोड ना पुश हो गया। अच्छा इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ मिसिंग है, वो है नॉट मॉड्यूल का फोल्डर, ठीक है। और अगर आपने गलती से नॉट मॉड्यूल का फोल्डर यहाँ पे पुश कर दिया तो वो फिर ऐप रन भी नहीं होगी आपकी, ठीक है, ये भी मैं बता दूँ। नॉट मॉड्यूल का फोल्डर माइनस होना ज़रूरी है, अगर गलती से आपने नॉट मॉड्यूल का फोल्डर गिटहब में पुश कर दिया तो क्लाउड पे मोस्ट प्रोबेबली आपकी ऐप चलेगी नहीं, वो एरर दे देगा, बोलेगा भाई इसको हटाओ पहले, ये नहीं चाहिए ना। अच्छा तो सबसे पहले मैं किस पे चला जाता हूँ, साइक्लिक के जो है ना वेबसाइट पे चला जाता हूँ। मैंने गूगल पे लिखा साइक्लिक और ये आ गया cyclic.sh के नाम से, एंटर किया मैंने इसके ऊपर, ये खुल गई भाई साइक्लिक की वेबसाइट। साइन इन का बटन आ रहा है, साइन इन क्लिक किया मैंने। अच्छा साइन इन करने के बाद देखो मेरे पास ना तीन ऐप यहाँ पे पहले से चल रही है और ये तीन ही ऐप देते हैं फ्री में, चौथी ऐप नहीं करने देते ये, ठीक है। तो फ्री में तीन ऐप देते हैं, तो आप क्या करेंगे जब तीन ऐप पूरी हो जाएगी तो नया अकाउंट बनाएंगे फिर आप, ठीक है। तीन ऐप आपकी जब पूरी हो जाएगी तो फिर आप नया अकाउंट बना लेंगे तो तीन आपको और मिल जाएगी, कोई मसला तो नहीं है। ईमेल हर बंदे के पास ना दो चार ईमेल होती है, ठीक है, मेरे पास भी चार पाँच ईमेल है, सबके पास इतनी तो होती है, तो आप दूसरी ईमेल पर एक और बना लें, ठीक है। क्योंकि अभी इस वक्त पहले तो एक ईमेल भी नहीं होती थी लोगों के पास, लोग कहते थे यार अच्छा ठीक है आपको ईमेल एड्रेस चाहिए मैं बना के दे दूंगा, ठीक है। तो अभी इस दौर की ज़रूरत है कि चार पांच ईमेल हर बंदा बना के रखता है डिफरेंट पर्पसेस की वजह से। अच्छा तो मुझे इसमें से ना कोई एक मैं फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कैसे होगा, कोई एक मुझे डिलीट करना पड़ेगा, एडवांस, हाँ ये रहा डिलीट, मैं एक मैं डिलीट कर रहा हूँ इसमें से। ठीक है एक डिलीट कर दी तो दो बच गया पीछे, आसान है, मुश्किल तो नहीं है अभी तक जो बता रहा हूँ। जस्ट मैंने साइन इन किया, मेरे पास पहले से तीन ऐप थी, आपके पास तो खाली होगा ना, कोई ऐप नहीं होगी, मेरे पास पहले से तीन ऐप थी तो मैंने एक को डिलीट कर दिया। अच्छा अब मैं करूँगा क्या, क्रिएट न्यू ऐप जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर डिप्लॉय का जो बटन है, मैं ये डिप्लॉय का बटन प्रेस करूँगा यहाँ पर। अच्छा डिप्लॉय का बटन प्रेस करने के बाद मैं क्या करूँगा, ये देख रहे हो ये लिखा हुआ है, छोटा सा लिखा हुआ है गिटहब, सही है, छोटा सा यहाँ पे गिटहब लिखा हुआ है। अच्छा आप गिटहब से इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आपकी रिपोजिटरी पब्लिक है तो आपको गिटहब से कनेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे आएंगे जस्ट और यहाँ पे अपना URL आप पेस्ट कर देंगे, चल जाएगा ये, ठीक है। लेकिन बेहतर ये है कि आप ये गिटहब वाला बटन एक बार दबा दें, ये डिप्लॉय का बटन एक बार आप दबा दें, तो उससे क्या होगा, ये मेरा तो पहले से कनेक्ट हुआ है लेकिन आपके पास वो लॉग इन विथ ये इस तरह से खुलेगा। हाँ अच्छा दोबारा शो कर रहा है ये कनेक्ट, मेरे पास तो पहले से कनेक्टेड है, क्यों कनेक्टेड शो कर रहा है। अच्छा ये कोई ग्लिच था इसका, अब मुझे इसको दोबारा डिलीट करना पड़ेगा, ये फिर से तीन हो गया, हाँ ये फिर से तीन हो गया, देख लो यार इसको, ठीक है तो मुझे इसको दोबारा डिलीट करना पड़ेगा। चलो सही है ये भी ठीक था। वेल असल में उनकी है ना वो हेलो वर्ल्ड एक पहले से उन्होंने बना के रखा हुआ है, तो जैसे ही आप कनेक्ट का बटन दबाते हैं ना तो वो हेलो वर्ल्ड फॉरन डिप्लॉय करके आपको दिखा देता है कि चलता कैसे है, ठीक है। तो इस वजह से हुआ मेरे साथ, मैंने क्लिक किया, उसने बोला शायद ये दोबारा चेक करना चाह रहा है, तो दोबारा उसने इंस्टॉल कर दिया। अच्छा अब ये डिलीट भी नहीं हो रहा मुझे, ये बात मैं कोई दूसरा डिलीट कर देता हूँ, असल में फ़ौरन इतने सारे ऑपरेशन किए ना मैंने तो शायद वो गड़बड़ा गया है। अच्छा वेल तो ये मैंने ना डिलीट कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, डिप्लॉय का बटन मैंने दबाया, गिटहब से कनेक्ट हो चुका है मेरा पहले ही, ठीक है आप पहली दफ़ा आपसे ही मांगेगा। अच्छा उसके बाद मैंने क्या कहा, लिंक योर ओन, एक तो ना स्टार्टर टेम्पलेट का मतलब किया कि इन्होंने छोटे छोटे हेलो वर्ल्ड खुद से बना के रखे हैं, आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक डिप्लॉय हो जाएगा उनके गिटहब से उठ के, लेकिन हमें तो अपने गिटहब वाला चाहिए ना। क्या मैंने रिपोजिटरी का नाम रखा था, हेलो वर्ल्ड, देखो जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ ना मेरे नीचे शो होता जा रहा है, हेलो वर्ल्ड एक्सप्रेस सर्वर ये नाम रखा था, हाँ यही रखा था ना, हेलो वर्ल्ड एक्सप्रेस सर्वर,
अच्छा हेलो वर्ल्ड एक्सप्रेस सर्वर, इस पे मैंने क्लिक कर दिया, बस दैट्स ऑल। क्या कह रहे हैं, हेलो वर्ल्ड एक्सप्रेस सर्वर इज ऑलरेडी देयर, यही नाम रखा था ना मैंने, क्या नाम रखा था यार, नहीं नहीं अभी मैंने कुछ और नाम रखा है उसका, देख लेते हैं अभी, यही तो नाम है यार, हेलो वर्ल्ड एक्सप्रेस सर्वर, पहले से कैसे हो सकता है यार। कह रहा है पहले से, आ जाओ ढूंढते हैं जरा कहाँ पर है पहले से। अच्छा ये है पहले से, सही कह रहा है, ये कैसे पहले से हो गया यार, ये तो मैंने बनाया अभी है, क्या टाइम मशीन में चल रहे हैं क्या हम लोग, टाइम मशीन में चल रहे हैं क्या, पहले से कैसे डिप्लॉयड है यार ये, सब डिलीट कर देता हूँ मैं, पूरा खाली कर देता हूँ, तीन तीन फ्री में देते हैं वो तो, अभी उसको उन चीज़ों को देखने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों को ना फिलहाल देखने की ज़रूरत नहीं है कि स्टोरेज कितना देते हैं और स्पेस क्या, वो सब अभी बाद में देखेंगे। अच्छा ये मैंने सब कुछ खाली कर दिया इनका। अच्छा अब दोबारा डिप्लॉय पे जाता हूँ, अब तो नहीं है, अब तो मैंने हाथ से डिलीट किया, अब ज़रा देखते हैं, अब तो नहीं एरर देता, लिंक योर ओन और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया और स्टार्टर नहीं यार, अच्छा अच्छा वो हेलो हेलो वर्ल्ड एक्सप्रेस सर्वर, ये पहला वाला आ गया। अच्छा अब ये डिप्लॉय हो रहा है। अच्छा कनेक्ट हेलो वर्ल्ड एक्सप्रेस सर्वर, अच्छा 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 सही 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 सही, ये डिप्लॉय हो गया, वेल डन यार। वो असल में जब मैं पेस्ट करता हूँ लिंक तो मुझसे कनेक्ट दोबारा पूछता है, वाह 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 क्या बात है। अच्छा यू आर लाइव, अब जो है ना ये देखो इसने एक यू आर एल मुझे प्रोवाइड कर दिया है, देख रहे हो ये यू आर एल मैं आप सब लोगों को भेज रहा हूँ, कहाँ पे भेज रहा हूँ मैं, एयर डॉट सिसबॉर्ग में ये भेज रहा हूँ मैं। अच्छा इस यू आर एल पे जब आप रिक्वेस्ट करेंगे ना तो अब ये रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगी, ये देखें नीचे लिखा हुआ है गो टू एक्सप्रेस सर्वर डैशबोर्ड, ये डैशबोर्ड पे मैं आ गया। अब डैशबोर्ड पे आने के बाद लॉग्स पे क्लिक करूँगा मैं, तो ये इनके कंप्यूटर का लॉग है, ये क्या है इनके कंप्यूटर का, यानी अब मैं अपना पूरा का पूरा सर्वर उठा के क्लाउड में भेज चुका हूँ। अब क्लाउड आप जो रिक्वेस्ट भेजेंगे क्लाउड में जा रही है, मेरे कंप्यूटर में तो नहीं आ रही, तो क्लाउड में ही उसका लॉग जो बन रहा है ना वो यहाँ पे शो करेगा। अभी ये शो क्यों नहीं कर रहा भाई, नहीं चल रहा। अच्छा अभी वो शायद पूरी तरह से डिप्लॉय नहीं हुआ, मे बी हाँ नहीं वो पूरी तरह से शायद डिप्लॉय नहीं हुआ अभी। A history of past 15 minute transaction, this deployments, refresh, मैं जरा चला के देखता हूँ। हाँ यार नहीं चल रहा अभी तक तो, ये क्या सीन है यार, रीडिप्लॉय करता हूँ, सही है सर्वर को, मैं रीस्टार्ट कैसे कर सकता हूँ, रीस्टार्ट करने का ऑप्शन नहीं है कहीं पे इसमें। असल में ये मैं भी पहली दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है इससे पहले मैं हरी को यूज़ करता था, तो फर्स्ट टाइम मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि इसको रीस्टार्ट करने का कोई तरीका क्या मौजूद है। नहीं
नहीं मैं तो क्रेडिट कार्ड लगा दूंगा हरी को, मेरे पास तो है, लेकिन तुम लोग क्या करोगे, मसला ये है ना। ये कहीं पे स्टक हो गया। अच्छा बाय द वे इसमें भी ना वो ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट्स होती हैं, तो जब आप इसको यानी कोई भी कोड लिख के आप गिटहब में पुश करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक उसको दोबारा से डिप्लॉय भी करेगा। तो एक काम करते हैं, थोड़ी सी कोड में चेंजेस कर देते हैं, ठीक है, और इसको दोबारा से, मैंने कहा कॉन्सोल डॉट लॉग सम चेंजेस और सेव किया मैंने, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, चेंजेस करके मैंने इसको पुश कर दिया। तो अब होपफुली इसको ये दोबारा से डिप्लॉय करेगा, ठीक है। यहाँ डिप्लॉयमेंट्स में दो हो चुके हैं ना, ये तीसरा आ जाएगा। क्या सीन है इसके, चल गया स्टक हो गया था एक दफा, और हमने जोर से डिप्लॉय किया ना तो चल पड़ा। अच्छा अब जो भी इसको, अब जो भी रिक्वेस्ट भेजेगा ना, वो यहाँ पे लॉग्स उसके शो करेगा, ये लॉग्स नहीं आ रहे यहाँ पे। अच्छा तुम लोगों का रिस्पांस आ रहा है, ये सही तो है, ये रहा नहीं, वो असल में यूआरएल चेंज हो गया, यूआरएल चेंज हो गया, ये क्या सीन है यार, ये हर दफ़ा क्या यूआरएल चेंज करेगा, ये क्या बकवास है। अब चला है नहीं, क्या मैं हर दफ़ा जब डिप्लॉय करूँगा तो ये यूआरएल चेंज करेगा, ये तो बड़ी बकवास बात है अगर ऐसा है तो। एक दफा मैं एक काम करता हूँ, एक चेंजेस और करके देखता हूँ इसमें। सम मोर चेंजेस, और सम मोर चेंजेस के बाद मैंने कहा कि अच्छा अभी ये पुराना वाला चला है, नया वाला नहीं चला, ये आ तो रहा है, देखो ना सम कम चेंजेस, स्पेलिंग मिस्टेक की थी मैंने, ये नया वाला ही चला है अभी, मैंने इसको दोबारा से डिप्लॉय किया, अभी देखना चाह रहा हूँ मैं कि क्या ये हर डिप्लॉय पे यूआरएल चेंज करता है। डिप्लॉयमेंट्स पे गया मैं, ये डिप्लॉय हो गया, सम मोर चेंजेस वाला ना डिप्लॉय हो गया। नहीं वो यूआरएल पता नहीं क्यों चेंज हुआ था, मैंने शायद किसी दूसरी ऐप का भेज दिया था यूआरएल पहले तुम लोगों को, हाँ नहीं सही, यूआरएल चेंज नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों हुआ था। अच्छा भाई तो ये हमारा सर्वर फाइनली कहाँ पे चला गया, क्लाउड पे चला गया। हाँ क्रैश, अगर कोई एरर आया कोड में फिर जरूर क्रैश करेगा ये, लेकिन अगर मैं देखो अपना लैपटॉप बंद भी कर दूँ ना अभी, मैं अभी तो खैर बंद नहीं कर सकता मैं क्योंकि ये प्रोजेक्शन बंद हो जाएगी आपकी स्क्रीन पे, लेकिन अगर मैं अपना लैपटॉप बंद भी कर दूँ ना, अब ये रात को जाके आप 12 बजे 1 बजे भी जाके हिट करेंगे तो ये चलेगा, अनटिल एंड अनलेस कि मैं रोक ना दूँ अपने सर्वर को, जब तक ये चलेगा, ठीक है। ये आ रहे हैं लॉग्स आ रहे हैं, देखो कितनी ट्रैफिक आ रही है। सोचो फेसबुक के सर्वर पर कितनी ट्रैफिक आती होगी, यहाँ तुम लोग मतलब 15-20 बंदे मिल गई, सर्वर को आधा ऊपर कर दिया तुमने, ठीक है। हाँ नहीं कोई मसला भी नहीं है इसको, आप करो कितनी रिक्वेस्ट भेजोगे आप, ये सेव होते हैं लॉग्स, ये लॉग्स कहीं जा थोड़ी रहे, मैं कॉपी करके नोटपैड पे ले जाऊंगा पूरा इसको, और नहीं नहीं लिमिट क्यों होगी, नहीं लिमिट बाय द वे उसकी तो है, प्राइसिंग तो है इनकी, देखो प्राइसिंग भी दिखा देता हूँ मैं सब लोगों को, ये बड़ा क्यूरियासिटी हो रही है।
मैं इसकी प्राइसिंग भी दिखा देता हूँ। नहीं पोर्ट 3000 नहीं, अब तो URL है ना, अब तो पोर्ट वगैरह की आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्या हुआ, क्रैश हो गया क्या? हाँ 2 महीने रिक्वेस्ट हो गया ना। लिमिट्स हैं ऑफ कोर्स, क्यों नहीं है लिमिट्स। अब देखो इसमें ना 3 पैकेजेस हैं इसके। नंबर एक जो है वो $0 है फ्री, मतलब उसमें आपको 3 ऐप्स मिलती हैं एक तो, सही है, और कितनी रिक्वेस्ट मिलती है, 1,00,000 रिक्वेस्ट मिलती है टोटल, ये पूरी हो गई तो ख़त्म, सही है, फॉर अ मंथ। अगर महीने में 1,00,000 रिक्वेस्ट पूरी हो गई आपकी तो ये पैकेज ख़त्म हो गया, जो डेवलपमेंट के लिए सही है, काफ़ी है ना, बहुत है। मेरा ख्याल है आप सब लोग मिल के भी अगर पूरा दिन भी लगे रहे ना तो ये पूरा नहीं कर सकते आज की डेट में। अच्छा साहिर, ये पूरे महीने की लिमिट है तो पर मिनट या पर आवर की भी कोई ना कोई लिमिट इनकी होगी, वो इन्होंने डिटेल कहीं अंदर लिखी भी होगी, सही है, कि वो एक्चुअल लिमिट्स क्या है। 1 GB मेमोरी मिलती है आपको। मेमोरी का मतलब क्या है, कि जो वेरिएबल्स आप बनाते हैं ना उसके अंदर, जो चीज़ें आप वेरिएबल, वो 1 GB तक के वेरिएबल आप बन सकते हैं टोटल, मेमोरी उसी में यूज़ होती है वेरिएबल्स बनाने में। अच्छा 512 MB का टेम्प्रोरी स्टोरेज मिलता है। टेम्प्रोरी स्टोरेज मतलब जैसे आपका जो सर्वर की फाइल है उसमें आपने कोई कुछ इमेजेस वगैरह रख के भेज दिया आपने, होता है ना, गेम के सर्वर होते हैं गेम डाउनलोड करने के, तो वो गेम कहाँ पड़ा हुआ होता है, उसी सर्वर के फोल्डर में होता है कहीं ना कहीं, तो वो 512 MB तक का वो स्टोरेज भी आपके पास है, ठीक है, कि कोई भी बाइनरी फाइल आप रखना चाहें। अच्छा नॉट मॉड्यूल उस 512 MB में शामिल है, वो जो इंस्टॉल करेगा ना नॉट मॉड्यूल वो उस 512 MB में शामिल है। अच्छा 1 GB तक के ऑब्जेक्ट स्टोरेज है। अब ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज वगैरह अभी आगे की कहानी है, अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। पब्लिक रिपोजिटरीज की डिप्लॉयमेंट है। 3 cron jobs है इसके अंदर, क्रॉन जॉब्स भी अलाउ करता है। क्रॉन जॉब्स क्या होती हैं, आप कोई ऐसा टास्क लगाना चाहते हैं जो हर 5 मिनट बाद एक दफ़ा चल जाए, इस तरह की जॉब्स को क्रॉन जॉब्स कहते हैं, ठीक है, वो हम फिलहाल कवर नहीं कर रहे। और 7-day log retention, 7 दिन तक का लॉग ये स्टोर रखता है, पिछले 7 दिनों तक का। अच्छा और कम्युनिटी सपोर्ट है, आप सवाल जवाब करेंगे तो कम्युनिटी आपको जवाब देगी। अच्छा जो इसका प्रो प्लान है, जो सबसे ज़्यादा वाला जो प्लान है, इसमें क्या है, अनलिमिटेड ऐप्स, अनलिमिटेड यूज़र, अनलिमिटेड क्रॉन जॉब्स, 90 day का लॉग और चैट सपोर्ट। इसमें इसने वो बात लिखी ही नहीं है कि कितनी रिक्वेस्ट और कितनी किया, सब कुछ अनलिमिटेड है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये बेसिक प्राइस है, ये जाहिर है इसकी डिटेल्ड प्राइसिंग होगी कहीं ना कहीं पे, वो अंदर मेंशन की हुई होगी इन्होंने, जिसमें हर चीज़ की कोई ना कोई फेयर यूजेज पॉलिसी होती है, पता है ना आपको ये, तो फेयर यूजेज पॉलिसी जो होती है वो कहीं ना कहीं इन्होंने मेंशन की हुई होगी कि भाई $300 में आप फेयर यूजेज पॉलिसी में कितने लाख या कितने मिलियन रिक्वेस्ट पे ये जाके आपको रोक देगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सब अनलिमिटेड है तो फिर ये एंटरप्राइज प्लान कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये कह रहे हैं कि यार आप ना स्कैजुअल रिव्यू करें। स्कैजुअल रिव्यू का मतलब है कि आपसे उनका बंदा आएगा, आपसे बात करेगा, वो मीटिंग करेगा आपसे, फिर आपको वो डिटेल में समझाएगा कि क्या चीज़ कैसे चल रहा है, ठीक है। अगर आपको ये नॉट $10 वाले में आपका काम हो जाता है अगर, तो फिर खैर आप चलते रहें उसी के साथ, ठीक है। अच्छा ये $9 वाले में इन्होंने ये नहीं लिखा कि कितनी API रिक्वेस्ट ये दे रहे हैं, बस 10 ऐप्स बता दी इन्होंने और कुछ नहीं बताया, ठीक हो गया। तो सब लोगों को आपने क्या करना है, ये हेलो वर्ल्ड जो मैंने अभी अभी आपको बनाकर दिखाया है, ये हेलो वर्ल्ड अभी आप सब लोगों को बनाना है और बना के उसको यहाँ साइक्लिक के ऊपर डिप्लॉय करें, या कोई भी फ्री अगर आपको दूसरा कोई पसंद है तो उस पर आप कर लें, कोई मसला नहीं है, किसी को हरी को पहले से पसंद है तो उस पर कर लें, आई डोंट नो। तो जल्दी से जो है ना क्लाउड पर डिप्लॉय करके, और ये जो लिंक आपको दे रहा है ना क्लाउड में, ये जो लिंक दे रहा है ये वाला, ये लिंक आप air.sysborg पे भेज दें, ठीक है जी, चलें शुरू हो जाए सब लोग। हाँ हुआवे का फ्री क्लाउड नाम क्या है उसका, देख लेना, मैंने कभी नाम नहीं सुना, देख लेता हूँ, हुआवे क्लाउड। अच्छा मोबाइल सर्विस, ये मैं प्राइसिंग देख लेता हूँ ना, पता चल जाएगा। हवावे क्लाउड की प्राइसिंग आ गई,
प्राइसिंग में लिखा हुआ होता है कि किस चीज़ के कितने पैसे हैं। नहीं, ये वो चीज़ नहीं है जो शायद आप समझ रहे हैं, वो नहीं है। ये गूगल ड्राइव की तरह कुछ चीज़ है शायद, ये वो चीज़ नहीं है, सर्वर की होस्टिंग नहीं है। हाँ, साइक्लिक के अलावा हरीको है, अभी तक तो चल रहा है लेकिन बहुत जल्दी वो बंद करने वाले हैं। अभी यहाँ पे आप गूगल पे जाके लिखोगे ना कि एक्सप्रेस सर्वर होस्टिंग लिख दो आप, जहाँ पे भी लिनक्स की मशीन है ना वहाँ पे एक्सप्रेस का सर्वर डिप्लॉय हो सकता है। अच्छा, सबसे फेमस जो है जो गूगल क्लाउड में जो है उसका नाम क्या है, गूगल ऐप इंजन, ठीक है, गूगल ऐप इंजन में आप डिप्लॉय करते हैं, जो गूगल वालों का जो है डिप्लॉय करने का जो जगह है। लेकिन गूगल ऐप इंजन वैसे तो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, शुरू में जो एक आप एक मशीन बनाते हैं ना वो फ्री है, कोई पैसे नहीं है। लेकिन मसला ये वो क्रेडिट कार्ड मांगता है ऑथेंटिकेशन के लिए, आपको अकाउंट ही नहीं बनाने देगा जब तक आप क्रेडिट कार्ड नहीं लगाते, और वो $1 चार्ज भी करता है चेक करने के लिए कि आपका क्रेडिट कार्ड असली है या नकली है, तो वो मसला है इस वजह से। अच्छा, AWS का जो है ना इलास्टिक बीनस्टॉक नाम है ये ना, AWS वालों का जो क्या नाम है उसका, इलास्टिक बीनस्टॉक, ठीक है। इसी तरह डिजिटल ओशियन है, उस पर आप डिप्लॉय कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में एज्योर में होगा कोई ना कोई उनका है, ठीक है, आपका EC2 का इंस्टेंस है कोई, आपका कोई VPS है, कोई भी ऐसी जगह है ना वहाँ पे आप डिप्लॉय कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो बेहतर तरीका है वो यही है कि आप गूगल के ऐप इंजन में या AWS के बीन स्टॉक में करें। अगर आप बजट कम है, फ्री वाला करना चाह रहे हैं, तो साइक्लिक आ चुका है, मौजूद है मार्केट में। अगर बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, $5-$10 अफोर्ड कर सकते हैं, तो डिजिटल ओशियन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, वहाँ पे कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, एक्सप्रेस का सर्वर कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं। चलिए जी।